वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब के सब बढ़िया होंगे यार। और अपने हेलमेट पे कुछ क्रिएटिविटी, कुछ पेंटिंग बनाते हैं उसको और देखते हैं। वो हेलमेट को यूज़ करेंगे जिस दिन हम बाइक लेने जाएंगे ना, उस दिन वो हेलमेट यूज़ करेंगे यार। उस दिन मैं वो हेलमेट यूज़ करूँगा जो मैं अपने खुद का बनाया हुआ हेलमेट पहन के जाऊँगा, मतलब खुद का प्रिंट किया हुआ पेंटिंग मैं बनाऊंगा। तो दिल तो होगी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा उस दिन तो यार। फाइनली मैं वो बहुत ही मैं फाइनल कर चुका हूँ, तो वो लेना ही है मेरे को। समथिंग 2-3 महीने बाद ही हो सकता है तो ले पाएँ उसको, 2-3 महीने में ही ले लें उसको। तो जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। और यार अभी चलो अपन हेलमेट में पेंटिंग बना लेते हैं। तो मैं हेलमेट को ऐसा रख ही दिया, ये देखो कल से ऐसा रखाया हुआ है। तो ये है अपना हेलमेट, तो इसको पूरा वाइट करेंगे। ये हेलमेट पे अभी पेंटिंग बनाते हैं। ये रहा मेरा हेलमेट जो कि 30। तो गाइस ये चेक, ये रहा मेरा हेलमेट। तो फिलहाल अभी ये ऐसा है, देखते हैं इसमें क्या बना सकते हैं अच्छा हम और क्या नहीं बनाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको ये बनाने के लिए। तो फिलहाल ये चेक करो, अभी यहाँ पे इसको करेंगे वाइट कलर। तो चलो मैं देख, तो ये पूरा अभी इसको पूरा चेंज कर दूंगा मैं, तो ये पूरा वाइट कर दूंगा। तो पूरा ऐसा वाइट करके फिर से पेंटिंग बनाएंगे। फाइनली अपना ये हेलमेट हो गया वाइट, ये देखो। ये तो हेलमेट हो गया वाइट पूरा। ये अभी ये देखो पूरा वाइट कर दिया मैंने इसको। अभी चेक करो, ये हो गया वाइट। अब इसमें पूरा यार यहाँ से ये सब पूरा ग्राफिटी करेंगे। ये यहाँ पे ऐसा स्केच कर लेता हूँ। अभी इधर का स्केच तो कर लिया मैंने, अब इधर का स्केच करते हैं। फाइनली हमारा स्केच हो गया है। तो और मैं इसमें यहाँ से ऐसे ब्लू का शेडिंग दूंगा जो 3D लुक देगा पूरा। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम और ब्लू कर लेता हूँ। तो ये पूरा ब्लू का शेडिंग देंगे गाइस। तो ये हो गया ब्लू का शेडिंग पूरा। मैंने ये पूरा कलर कर लिया है अभी। और अब मेरे को चाहिए इसमें रेड कलर। ये पूरा पार्ट जो है मैं रेड कलर से फिल कर लूँगा। ये हो गया गाइस ये भी। सो है गाइस, फाइनली मेरा हेलमेट हो गया कंप्लीट। तो यार मैं दिखा देता हूँ अपना हेलमेट को। ये रहा मेरा हेलमेट जो फाइनली पूरा इसमें ग्राफिटी हो चुका है। और इसमें मैंने पूरा ग्राफिटी कर रखा है। ये देखो पीछे ये सोल और साइड से देखो ये रहा। तो ये मैं पहन के दिखाता हूँ पहले। तो फर्स्ट भाई घुस जा। ये तो ये रहा गाइस फाइनली लुक। ये देखो साइड से। और ये तो ये देखो यार, मस्त लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक और भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये रहा फाइनल लुक, तो कैसा लगा कमेंट पे बताओ। ये हेलमेट बहुत कैसा लग रहा है, ये देखते हैं यार। अब जाएंगे राइट पे, जैसे ही अपने पास आ जाए अपना बाइक R1 नो R1 नहीं भाई, BMW G 300 RR, तो ये बाइक आ जाएगा ना, तो फिर अपन जाएंगे इसमें राइट पे। तो गाइस खुल को दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस फाइनल लुक ये हेलमेट का, ये देखो बैक साइड, ये और ये ऐसा है गाइस कि जैसे ही इसमें ब्लू लाइट आएगा नाइट में, तो ये पूरा नियॉन से ही ग्लो होगा। जैसे कि मैं एक बार दिखाता हूँ आपको ऑन ऑफ करके। लोगों को बताया कि जैसे ये ब्लू लाइट में नियॉन लाइट ग्लो होगा, तो ये देखो गाइस ये जैसे ग्लो होगा, देखो जैसे इसमें ब्लू लाइट आएगा तो ये नाइट में से नियॉन वाला लाइट रिएक्ट करेगा, जैसे कि ये कर रहा है ग्रीन कलर अभी, तो ये रिएक्ट करेगा पूरा नाइट में ब्लू लाइट पे। तो ये रहा हमारा हेलमेट, हो गया रेडी। तो अब बस बाइक आने की देरी है गाइस, फिर चलेंगे हम राइट पे। तो ये रहा, हो गया कंप्लीट हमारा हेलमेट। तो गाइस जल्दी जल्दी 2K सब्सक्राइबर कर दो, और हम जाएंगे फिर राइड पे, फर्स्ट राइड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे ऐसा बहुत सी जगह हैं यार जो हमको नहीं पता है, तो मेरे को वो जगह पे जाना है जहाँ पे कोई गया ही ना हो, और ऐसे ऐसे जगह देखने हैं मेरे को कि मज़ा ही आ जाए यार वहाँ जाके। मतलब लोगों को पता चलने कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या है, क्या बहुत कुछ है हमारे छत्तीसगढ़ में यार। तो फर्स्ट ऑन ऑल मैं अपना छत्तीसगढ़ ही घूमना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक अपने कंट्री को, अपने सिटी को, अपने कंट्री को ना घूमो, मज़ा ही नहीं है भाई, लाइफ में मज़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना छत्तीसगढ़ ही घूमना चाहता हूँ। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राइड करेंगे पूरा, उसके बाद देखेंगे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो गाइस वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, और ये भी बताओ कि छत्तीसगढ़ में कहाँ घूमना चाहोगे, तो मैं वहाँ लेके आप लोगों को जाऊँगा। ओके, बाय बाय गाइस।